오케이. हेलो भाइयों, कैसे हो सब? उप करता हूँ सब बढ़िया होंगे भाइयों। और आज जी टी ऑनलाइन की दुनिया में एक बार फिर से सबका स्वागत है। और ये मेरी नाइट शार्क जो कि यहाँ पे सड़कों पे तैर रही है दिन में ही। और आज हम एक और कार बाय करने वाले हैं अपने लिए, जो कि जेम्स बॉन्ड वाली कार है, जिसको कि जेम्स बॉन्ड की कार भी कहते हैं। और जी टी ए हर किसी मूवी से कोई ना कोई फेमस व्हीकल उठा लेता है, तो वो कार भी सेम जेम्स बॉन्ड की मूवी की कार है। तो उसका नाम है स्टॉर्मबर्ग और उसके फीचर कई सारे हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इसको बाय कर लेते हैं हम अपने नाइट क्लब के गैरेज 4 में। और ये एक इसका फीचर है, ये सबमरीन बन जाती है। तो ये सिर्फ एक ही फ़ीचर है कई सारे फ़ीचर्स में से। और इसकी लुक भी बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की कार जैसी है, इसलिए इसको जेम्स बॉन्ड की कार कहते हैं। तो हम नाइट क्लब चलते हैं और रास्ते में आपको सारे फीचर इसके गिनवाता हूँ मैं एक बार, हमारी नाइट शार्क चालू हो जाए पहले। तो इसको इसलिए जेम्स बॉन्ड की कार भी कहते हैं, सिर्फ इसके लुक्स की वजह से नहीं, क्योंकि इसको हम सबमरीन में बदल सकते हैं और पानी के अंदर जितनी मर्जी गहराई तक हम जा सकते हैं। सबमरीन का काम एक करती है, जैसे डीलक्सो पानी के ऊपर तैरती है और हवा में उड़ती भी है, वैसे ही पानी के अंदर तैरती है। तो एक फ़ीचर इसका ये है। और दूसरा फीचर ये है कि इसके अंदर मशीन गन है और मिसाइल्स हैं। और मिसाइल भी इसके ऐसे वैसे नहीं है, मिसाइल इतने ज़्यादा एक्यूरेट है कि अगर कोई प्लेन अगर आपके ऊपर उड़ के आपके पीछे चला जाए तब भी ये उसके ऊपर एम कर लेता है। तो इतना पक्का टारगेट लॉक है इसके मिसाइल्स का। तो ये इसकी दूसरी स्पेक्स है। और तीसरे नंबर पर सबसे मेन चीज़ जो है वो इसमें ये है कि इसमें हमको मिसाइल्स के साथ साथ इस कार में सेफ्टी भी मिलती है, यानी आर्मर्ड कार भी है ये। और 3-4 मिसाइल्स आराम से झेल जाती है, 3-4 RPG आराम से। तो ऐसी कोई कार गेम में है नहीं फ़िलहाल, सिर्फ अपनी तरह की एक ही कार है। क्योंकि GTA में 3 कैटेगरी की कार्स होती हैं। एक होती हैं स्पोर्ट्स कार, जो कि सिर्फ लुक की बात होती है जिनमें, या फिर जो सिर्फ भागती हैं और उनमें कोई खास चीज़ नहीं होती। और दूसरी होती हैं आर्मर्ड कार, जैसे कि ये नाइट शार्क है मेरी, ये चल रही है, तो ये सिर्फ आर्मर्ड होती हैं और ये इन सिर्फ अपना डिफेंस कर सकती हैं। और तीसरी तरह की गाड़ियाँ होती हैं जिनमें मिसाइल्स होती हैं या फिर हथियार अटैच होते हैं, जो अपना ऑफेंस करती हैं, लेकिन वो आर्मर्ड नहीं होती। कोई भी कार ऐसी है नहीं जिसके पास मिसाइल हैं और वो आर्मर्ड हो। जैसे विजिलेंट है, इतनी महंगी इतनी बड़ी कार है, लेकिन अगर उस पर एक मिसाइल लग जाए तो ख़त्म हो जाती है वो, उसमें कोई आर्मर है नहीं। लेकिन स्टॉर्मबर्ग एक ऐसी अकेली कार है इस गेम में जिसके पास कि मिसाइल्स भी हैं, हथियार भी हैं और आर्मर भी हैं, प्लस वो पानी के अंदर भी चली जाती है। तो इसलिए इसको जेम्स बॉन्ड की कार कहते हैं। इसमें कई सारी खूबी हैं। तो मैं आ गया हूँ नाइट क्लब में, यहाँ पर अंदर खड़ी होगी, आपको दिखाता हूँ उसकी लुक। और लुक उसकी बिल्कुल क्लासिक जेम्स बॉन्ड टाइप ही लुक है, टिपिकल। तो किसी को गैस करने में मुश्किल नहीं होगी, जैसे डिलक्स है बिल्कुल वैसे क्लासिक लुक है। जैसे ये मेरी विजिलेंट खड़ी है, यहाँ पे कितनी हाइपर कार है ये। लेकिन फिर भी अगर एक RPG लगे इस पर तो एक RPG में ख़त्म है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन इधर ये स्टॉर्मबर्ग खड़ी है और ये 3-4 मिसाइल ले लेती है, और 3-4 कोई इस पर मारेगा तो एक तो ये भी किसी को मार ही देगी, तो ये बेहतर ऑप्शन है। तो इसको लेके चलते हैं इसको मॉडिफाइड करने। और मॉडिफाइड ये LS कस्टम में नहीं होगी, जैसा मैंने आपको बता ही रखा है, ये एवेंजर की व्हीकल वर्कशॉप में मॉडिफाई होते हैं जितने भी हथियार वाली गाड़ियाँ होती हैं। तो मैं पहले अपना एवेंजर रिक्वेस्ट कर लूँगा और होप करूँगा कि पास ही आए वो जल्दी से। और इसकी लुक बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे ही सबमरीन बन जाती है, चाहे सड़क हो, लेकिन सड़क पर तैरने वाली नहीं है फिर भी बन जाती है, और ऐसे वापस गाड़ी बन जाती है। तो जेम्स बॉन्ड बिल्कुल डिटेक्टिव वाली गाड़ी है। तो एवेंजर पास ही आया है, पता नहीं, अच्छी बात है हमारे लिए। इसको फटाफट मैं अंदर ले जाके इसको मॉडिफाई करना शुरू करता हूँ, फिर आपको एंड में इसको मैं पानी के अंदर सबमरीन बना के भी चला के दिखाऊंगा। तो वीडियो एंड तक देख लेना। और अपग्रेड में हमेशा टाइम लगता है, तो वीडियो स्किप कर देना जिसको मॉडिफिकेशन नहीं देखनी गाड़ी की, इसमें टाइम लग जाता है। तो थोड़ी आगे स्किप कर ले वीडियो, लेकिन एंड देख लेना, क्योंकि गाड़ी को फिर पानी में भी उतारेंगे हम।
तो इसकी पानी में भी परफॉर्मेंस देख लेना, क्योंकि ये बोट नहीं बनेगी जो पानी के ऊपर चले, ये पानी के अंदर चलेगी, अंडर वाटर, तो इसलिए उसको देख लेना एक बार। और रॉकस्टार कुछ ऐसी गाड़ियाँ उठाता रहता है फिल्मों में से, जैसे कि बैक टू द फ्यूचर मूवी थी क्लासिक, उसकी गाड़ी है डिलक्सो जो उड़ती हुई है, वो मारुति 800 जैसी है, और एक ये होगी, ऐसी कई सारी गाड़ियाँ पड़ी हैं GT ऑनलाइन में भरी पड़ी हैं जो मूवीज से उठा रखी हैं सारी की सारी गाड़ियाँ। और फास्ट एंड फ्यूरियस के तो पता नहीं कितनी सारी गाड़ियाँ इस गेम में भरी पड़ी हैं, पूछो ही मत। आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ तो रॉक स्टार आइडियाज़ लेते रहता है हमेशा कहीं ना कहीं से, जैसे मैड मैक्स की गाड़ियाँ कई सारी, मैड मैक्स मूवी की वो रेगिस्तान वाली खंडर वाली गाड़ियाँ कई सारी एरिना वार के तौर पे इसमें इंट्रोड्यूस कराई रॉक स्टार ने, जो फाइटिंग गाड़ियाँ हैं वो सारी मैड मैक्स फिल्म की कॉपीज हैं सारी A to Z, और ऐसे ही ऑपरेसर भी कॉपी है जो उड़ने वाली बाइक है वो भी, अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी मूवी, शायद मैन इन ब्लैक, पर वो भी है। और विजिलेंटी तो बैट मोबाइल है ही, वो सबको पता ही है पहले ही, आइकॉनिक है। और एक स्क्रैमजेट भी है इसमें, जो क्लासिक बैट मोबाइल होती थी पुराने ज़माने में वो बिल्कुल वैसी है। तो कई कई सारे आइकॉनिक हथियार उठा के रख रखे हैं रॉकस्टार ने GT ऑनलाइन में। तो गाड़ी बस तैयार हो गई है, व्हील्स बचे हैं इसके बाद ख़त्म है, सारी मॉड ख़त्म कर दी मैंने। और जैसे कि इसमें कलर नहीं दिखता है एवेंजर में, जब हम रीस्प्रे करते हैं तो कार की बैक दिखती है, तो कलर हमको ऐसे ही तुक्का मार के चूज़ करना पड़ता है बस, भगवान के भरोसे कि अच्छा लगेगा ये, पता नहीं अब बाहर निकल के पता लगेगा, उम्मीद तो है कि अच्छा ही लगे। तो बस टायर्स भी हो गए हैं, सारी मोड ख़त्म हो गया, सिर्फ एक नियॉन लेआउट अब बचा है इसके बाद, इसको भी मैं फटाफट कर देता हूँ, और ये ब्लू ही होगा। ठीक है, हो गई है फुल्ली अपग्रेड ये हमारी स्टॉर्मबर्ग, तो ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसी लग रही है, देख लो आप, इसमें मिसाइल्स आ गए हैं ऐसे कुछ, फ्रंट में इसके हेडलाइट के पास यहाँ पे मिसाइल हैं, तो इसको खुद को फोड़ने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है इससे, जैसे विजिलेंटे के अगर मिसाइल मारे तो वो खुद को ही उड़ा देती है, तो वैसा इसमें है नहीं। और चार मिसाइल तो ये खा ही लेगी अगर कोई मारने लगे तो फाइनल कलर इसका अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से, लग ही रहा होगा, अगर लग रहा है तो वीडियो लाइक कर देना भाई। तो अब इसको हम पानी के पास भी लेके जाएंगे समंदर में, पहले मैं एक थोड़ी थंबनेल के लिए ले लूँ कोई क्लिप, तो हो गया एवेंजर भी हमारा वापस चला गया, इसको लेके चलते हैं अब हम बीच की तरफ, सामने बीच है, तो गाड़ी के चलने में भी कोई कमी नहीं है, चलती भी खतरनाक है ये, तो मिलूँगा सीधा बीच पे मैं। तो हम आ गए हैं बीच पे, और सीधा बिना ब्रेक दबाए इसको पानी में कुदा दूँगा, तो दिखाऊँगा आपको इसके क्या प्लस पॉइंट है पानी में। तो पानी में डूब गई है ये, लेकिन ना तो मैं मरा हूँ ना ही गाड़ी अभी तक रुकी है, चल रही है, और अभी तक सबमरीन नहीं बनाई मैंने, सबमरीन मैंने इसको अब बनाया है, तो अब ये जितनी मर्ज़ी इसको अंदर ले जाओ पानी में, जितनी मर्ज़ी गहराई में ले जाओ, इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं अब। तो ये ट्रिक पुलिस से बचने के लिए काम आती है हमेशा इस गेम में, इसको हम पुलिस से बचने के लिए यूज़ कर सकते हैं वांटेड लेवल हटाने के लिए, या फिर और प्लेयर्स को ट्रोल करने के लिए, क्योंकि पानी में वो एम कर नहीं पाएंगे इतनी आसानी से, इसलिए। तो इसको बाहर लेके चलते हैं, ज़्यादा तैरना नहीं है हमें, बाद में कभी देखेंगे ट्राई करके कि वांटेड लेवल हटाने में कितना कामयाब है ये कार।
तो बाहर भी मैं इसको बिना ऐसे लेके जाऊंगा, पहिए इसके बाहर ही निकालूंगा मैं, तो इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप इसको ऐसे पानी में कुदा दो और बाद में इसको सबमरीन बनाओ, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जेम्स बॉन्ड की कार रेडी है कलेक्शन के लिए अब, और इसकी भी शायद सेपरेट वीडियो आ जाए शायद, अगर किसी दिन मैं इसको टेस्ट करने लगा तो, या कितने मिसाइल वगैरह कैपेसिटी है इसकी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से जा वीडियो नाइट क्लब में एंड नहीं करूँगा। ये हर बार मैं नाइट क्लब में कार खड़ी करता हूँ, लेकिन इस बार मैं कुछ लोगों को इससे मारूँगा जो मेरा पीछा कर रहे थे अभी, इसलिए वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अच्छे सी चीज़ के साथ, तब तक ले बाय।